हेलो फ्रेंड्स, सर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वी में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जियो फोन के बारे में। अगर आपने जियो फोन की जो प्री बुकिंग थी वो आपने अगस्त में कर दी थी, आपने पे कर दिए थे 500 रुपये, लेकिन फ़ोन आपको अब तक नहीं मिला है, तो मैं आपसे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा जो फ़ोन है अब तक आपको क्यों नहीं मिला, और शायद ये भी इन्फॉर्मेशन है कि फ़ोन कब तक आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपने अगस्त में जो बुकिंग थी वो नहीं कर पाई थी, तो दोबारा जो बुकिंग है प्री बुकिंग जो कब स्टार्ट होगी उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ एक नया फीचर फ़ोन लॉन्च की बात सामने आई है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जियो फोन की प्री बुकिंग की। तो जियो फोन की प्री बुकिंग थी वो स्टार्ट हुई थी 24 अगस्त को। ऑब्वियसली बुकिंग करते वक्त जो है कुछ घंटों बाद ही जो साइट थी वो क्रैश हो गई थी। उसके बाद जो साइट थी वो दोबारा से अप हो गई थी, दोबारा से वर्किंग हो गई थी। लेकिन 60 लाख एस्टिमेटेड ऐसा अमाउंट एस्टिमेट किया गया कि 60 लाख जो यूनिट थी वो प्री बुक हो चुकी। तो इस वजह से जो प्री बुकिंग थी वो जियो के वेबसाइट को बंद करना पड़ा, प्री बुकिंग बंद हो गई। ऐसे में जो 60 लाख अब फ़ोन बुक हुए थे उन्हें ये फ़ोन मिलना था 21 सितंबर से, यानी 21 सितंबर से जो फ़ोन की डिलीवरी थी वो स्टार्ट होनी थी, लेकिन मिलने में थोड़ी डिले हो रहा है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के पास जियो के फ़ोन नहीं पहुंचा होगा शायद अभी तक, मेरे पास भी नहीं पहुंचा है। मैंने भी उसी दिन जो है फ़ोन की प्री बुकिंग कर दी थी, लेकिन आज हो चुकी है 27 सितंबर, लेकिन अभी तक फ़ोन मेरे पास नहीं पहुँचा है। लेकिन अब बात करते हैं फ़ोन अब तक क्यों नहीं पहुंचा। ये जो फ़ोन है वो इस वजह से नहीं पहुंचा क्योंकि ये जो फीचर फ़ोन है ये दरअसल उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया था, या तो वो लोग 2G नेटवर्क पर यूज़ कर रहे थे अपने फ़ोन को, या उन फोन्स को जिनके पास फ़ोन नहीं था, या फ़ोन ऐसा था जो फीचर फ़ोन था, जिसमें कि पुराने फीचर फ़ोन जो होते थे उनमें कोई ज़्यादा खास फीचर्स नहीं होते। लेकिन ये जो फीचर फ़ोन है उसमें आपको वीडियो कॉलिंग देखने को मिलती है, 4G इंटरनेट मिलता है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे जो एप्लीकेशंस हैं जियो के वो भी आपको देखने को मिलते हैं, लाइव टीवी, जियो सिनेमा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सभी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो फ़ोन है उन यूज़र्स को ध्यान में रख के बनाया गया था, या तो वो 2G नेटवर्क पर यूज़ कर रहे थे, अभी तक उन्होंने जियो 4G फ़ोन उन्होंने अफोर्ड करने का उनके पास मनी नहीं था, या कोई भी रीज़न रहा हो जिस वजह से 4G फ़ोन का अफोर्ड नहीं कर पाया, या फिर वो लोग जिनके पास फ़ोन ही नहीं था। अब ऐसी कंडीशन कहाँ पर होती है, वो होती है छोटे शहरों में या गाँव में। तो इस वजह से ये जो फ़ोन है उसके डिलीवरी को प्रायोरिटी दी जा रही है अभी ऐसे एरियाज़ में, विलेजेस में, छोटे छोटे टाउन्स में, जहाँ की नेटवर्क की रीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जहाँ के लोग जो है कम्युनिकेशंस के लिए इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है उन्हें बाकी चीज़ों पर। तो ऐसे में जो जियो फ़ोन है उन जगहों पर अभी सबसे पहले डिलीवर किया जा रहा है। चिंता मत कीजिए, हो सकता है जो फ़ोन है वो आपको सितंबर के लास्ट तक मिल जाए, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है शायद आप तक ये फ़ोन पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई जियो की प्री बुकिंग के बाद आपको फ़ोन क्यों नहीं मिला और कब तक मिलेगा, ऐसा कोई मतलब फिक्स डेट नहीं है कि अब तक आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं फ़ोन आपको मिलेगा किस तरह से, क्या कोई कुरियर वाला आएगा आपके घर पर डिलीवर करने, या किस तरीके से आप लेंगे, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो देखिए, आपको जो है फ़ोन जिस नंबर से आपने जो प्री बुकिंग की होगी उस नंबर से आपको अपने फ़ोन का स्टेटस पता करना होगा कि फ़ोन जो है आपके लोकल एरिया जो आपका है, जो पिन कोड आपने डाला था उस पिन कोड में जितने भी जियो स्टोर्स या फिर रिलायंस स्टोर्स हैं वहाँ पर जो जियो फ़ोन उन स्टोर्स में पहुँच चुके हैं या नहीं, वो पता करने के लिए आपको जिस नंबर से आपने जो फ़ोन था वो प्री बुक किया था उस नंबर से आपको डायल करना होगा 1800 890 8900। इस नंबर को जब आप डायल करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको एक मैसेज आएगा जियो की तरफ से, जिसमें कि आपके फ़ोन प्री बुकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और साथ ही साथ उस स्टोर जो आपके रीजनल एरिया में जो पिन कोड आपने दिया था उस पिन कोड के रीजनल एरिया में जो जो रियल जो रिलायंस स्टोर्स होंगे, जो जो जियो स्टोर्स होंगे, उन जियो स्टोर्स में से जो आपके सबसे नज़दीक वाला जियो स्टोर होगा उसके पास वाले जियो स्टोर की डिटेल्स आपको मैसेज के थ्रू उस मैसेज में मिल जाएंगी। और आपको क्या करना है, उस फ़ोन को कलेक्ट करने के लिए आपको उसी स्टोर पर आना है जिस स्टोर के पास, जिस स्टोर का आपको एड्रेस उस मैसेज में मिला है उस एड्रेस पे आपको पहुंचना है। तो इसके लिए आपको लेके क्या क्या जाना है उस जियो स्टोर पर, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड 153 रुपीज़, और ऑब्वियसली 1000 रुपीज़ जो आपको एडवांस में जो 500 रुपीज़ पे करे थे उसका 1000 रुपीज़ का जो ड्यू अमाउंट है उसे भी पे करना होगा। वो
लेके जाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों, क्योंकि 1000 रुपये तो ऑब्वियसली जो ड्यू अमाउंट था वो पे करना है, साथ ही साथ यहाँ 153 रुपीज़ और आधार कार्ड, इसलिए क्योंकि जियो फोन जब आप खरीदेंगे तो साथ ही साथ आपको खरीदनी होगी जियो की सिम, जो कि ग्रीन कलर के पैकेट वाली सिम होगी। इससे पहले जो फ़ोन था शायद उसमें ब्लू कलर का और रेड या ऑरेंज कलर की सिम थी, लेकिन अब जो आपको जियो फोन में जो सिम देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे ग्रीन कलर के जियो सिम्स, सिर्फ वही सिम चलेंगी, उसे खरीदना होगा और साथ ही साथ आधार वेरिफिकेशन होगा, तब आपको सिम फोन के साथ वहाँ मिलेगी। लेकिन सिम लेने के बाद आप उस फोन को यूज़ करेंगे, आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, इतना कर लिया, लेकिन आपको पता है जो प्लान है वो भी आपको साथ ही साथ देना पड़ेगा, यानी 153 रुपीज़ इसीलिए हैं ताकि आप जो जियो सिम खरीदें उसके बाद जो है आप प्लान एक्टिवेट करा सकें 153 रुपीज़ का। तो ये 153 रुपीज़ का जो प्लान आप एक्टिवेट कराएंगे तो उससे आपको 512 MB का डेली डेटा मिला करेगा और साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS मिला करेंगे। तो ये जो बात है इस तरह जो इस बारे में बात हो गई किस तरीके से जो आप अपने जियो फ़ोन को रिसीव करेंगे, तो सबसे पहले आपके जो नियरेस्ट जियो स्टोर या रिलायंस स्टोर होगा वहाँ पर आपको जहाँ लेके जाना है अपना आधार कार्ड 153 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ जो ड्यू बैलेंस है उसे पे करने के लिए बस, और साथ ही साथ उस नंबर जो मैसेज आपको आया है वो भी उस रिटेलर को उस जियो स्टोर वाले सेलर को दिखाना होगा, तभी जो फ़ोन है वो आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई आपके जियो सिम सॉरी जियो जो फीचर फ़ोन है उसके बारे में, आप किस तरीके से उसे कलेक्ट कर सकते हैं जब आपके नियरली जियो स्टोर या रिलायंस स्टोर में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक न्यूज़ सामने आई है कि अब BSNL जो है वो टाई अप कर रहा है माइक्रोमैक्स के साथ, और ये दोनों मिलके लाने वाले हैं एक अपना फीचर फ़ोन जिसकी कॉस्ट अभी तक शायद हो सकता है रखी जाए 2000 रुपये। ऑब्वियसली ये जो फ़ोन है वो 4G वोल्टी फ़ोन होगा, सारे फीचर्स उसमें जियो वाले होंगे, ऑब्वियसली जियो सिनेमा जियो टीवी आपको नहीं देखने को मिलेगा उसमें फीचर फ़ोन में, लेकिन फिर भी देखते हैं अब ये क्या करता है। खैर BSNL का 4G नेटवर्क तो अभी तक यहाँ पर इंडिया में नहीं है, 4G फ़ोन लाके पता नहीं क्या करना चाहता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। 2000 रुपये का फ़ोन है, 1500 रुपये का तो आपको जियो फीचर फ़ोन मिलता है, यहाँ आपको देखने को शायद मिल सकता है इनसाइड इसके अंदर 1 GB की रैम, ऐसा जो है न्यूज़ कुछ सामने आई है र्यूमर्स, जिसका ऐसा भी देखा जा रहा है कि पिक्चर जो आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा स्क्रीन साइज़ भी आपको शायद जियो फीचर फ़ोन से बड़ा देखने को मिले। खैर फिर भी पता नहीं अब क्या होगा, लॉन्च होने पर पता चले क्या करना चाहता है जियो के साथ अपना ये जैसे BSNL और माइक्रोमैक्स क्या करेंगे जियो फीचर फ़ोन के साथ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, आपको यही बताना था जियो फीचर फ़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आपको जो फीचर फ़ोन अभी तक नहीं मिला तो कब तक मिलेगा, क्यों नहीं मिला अभी तक, और साथ ही साथ आप जब आपके पास मैसेज आएगा तो फीचर फ़ोन डिलीवर होने वाला है तो आप किस तरीके से उसे अपने पास वापस खरीदेंगे, किससे किस तरीके से वो आपके पास आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसे दबाने से होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बराबर में आपको मिलेगा एक बेल आइकन जैसे दबाने से होगा ये, अगर आप उस बेल आइकन को दबा देते हैं तो जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और उस वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।